नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए विटामिन ई के कैप्सूल्स कितने फ़ायदा करते हैं और विटामिन ई हमारे जीवन में कितना ज़्यादा उपयोगी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और थोड़ा सा मैं वीडियो डाल नहीं पाई थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए सॉरी। मैं आपके सामने अब मैं ये विटामिन ई के कैप्सूल्स के बारे में जानकारी देना जा रही हूँ। तो आपको ये देखिए, वे विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं। तो ये हमको कैसे सेवन करना चाहिए, इसका लाभ क्या है, इवन 400, तो डॉक्टर्स किसको किसको ये सलाह देते हैं, बताते हैं कि इसको इसका सेवन करने से हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से, तो ये मैं आपको बताना जा रही हूँ। कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये विटामिन ई के फ़ायदे कितने हैं। तो ये एंटी एजिंग क्रीम में हमेशा ये डाला जाता है, जितनी भी क्रीम्स हैं हम लोगों की, जो भी रिंकल्स फ्री करने वाली है, या हमारी जितनी भी क्रीमें बनती हैं हमारी बॉडी पे, लोशन है, क्रीम है, इन सब में, स्किन लोशंस में और क्रीम में ये डाले जाते हैं। और आँखों की हमारी ये केयर करती है, विटामिन ई की कमी जो है उससे आँखों की रोशनी थोड़ी कम होने लगती है। तो ये विटामिन ई को डॉक्टर बताते हैं कि ये हमको सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी आँखों की केयर बढ़िया होती है और कैंसर को भी बचाने में ये मदद करती है, और कैंसर से भी बचने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाते हैं, जो जर्म्स उसको हमको जो बूढ़ा करते हैं उनसे लड़ने के लिए इसकी जो है ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो है हमारे झुर्रियों, जो भी बॉडी, मतलब बॉडी में सिकुड़न सी आने लगती है, तो उनको ये रिंकल्स फ्री करती है। इसके सेवन से हमारे स्मूथनेस आती बॉडी में और स्किन बढ़िया हो जाती है और हमारी शरीर अंदर और बाहर से दोनों से स्वस्थ करती है। इसलिए फ़ायदेमंद ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है इसमें। और दूसरी बात बताऊंगी कि किसी किसी को ये विटामिन ई से एलर्जी भी हो सकती है, तो हमेशा जो है आप कोई भी कह दें कि आप विटामिन ई के कैप्सूल खाओ, आप सुंदर लोगों की आपकी स्किन सुंदर हो जाएगी, या आपको रेगुलरली कोई भी बता देता है तो नहीं ले सेवन करना चाहिए। ये आपको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अंदर हम अगर इसको खाते हैं तो इसमें हम जो है कुछ इसके फायदे के साथ में नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये एलर्जी से होने के खतरे रहते हैं अगर हम बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं। हो सकता है आपके बॉडी में विटामिन की मात्रा पर्याप्त हो, उसके बाद में अगर ये आप सेवन कर रहे हो तो इससे एलर्जी का भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात, गले पर हल्के से जो है हल्का सा खराश वगैरह आना और थोड़ा सा जुकाम वगैरह, ये परेशानी भी पैदा हो सकती है। तो अगर आप इसको उपयोग कर रही हैं तो सबसे पहले आप इस कैप्सूल के दो बूंद को, ड्रॉप को लेके अपने नेक के पीछे पॉइंट साइड में आप पहले अप्लाई करो। उसके बाद देखो, अगर लाल चकत्ते से नहीं पड़ते हैं तो, या कोई इचिंग नहीं हो रही है, तो यानी आपको ये सूट कर रही है, तो आप ले सकते हो। और दूसरी बात मैं बता रही हूँ कि आप कैप्सूल का ऑयल चेहरे पर अप्लाई भी कर सकते हो। इसका आप जो है थोड़ा सा ऑयल लीजिए, दो ड्रॉप, और इसको आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप इसको पहले आप देख लो कि आपको नुकसान तो नहीं कर रही है। और दूसरा कि ये बता रही हूँ कि इसके नुकसान और भी बता सकती हूँ कि जो डॉक्टर की सलाह के बिना खाना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि ये शरीर में अंदर जो है कई साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं, जो कि कुछ रोगियों को कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे एलर्जी हो गई किसी को, खांसी या जुकाम की परेशानी हो जाती है, और खून की कमी जो है वो जो
होने की संभावना रहती है अनियमितता से, और डायरिया और पेट में दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स इसको बिना सलाह डॉक्टर की सलाह के लेने से ये नुकसान हमारी बॉडी में हो सकते हैं। और ये रही आपको मैं बताऊं कि इससे फ़ायदे क्या है, ये हमारी बॉडी में मॉइस्चराइज़र का काम करती है, मतलब मॉइस्चराइज करती है हमारी बॉडी को, स्किन को ग्लो तो करती है, अंदर से हमारे कैंसर जैसे जो रोगी हैं उनके लिए भी डॉक्टर इसकी ही सलाह देते हैं कि अंदर से स्किन स्मूथ होती है और ये घाव को भरती है। अगर हम सोराइसिस जैसी बीमारी है किसी को या एक्जिमा है तो कहते हैं कि कैप्सूल के कुछ डॉट्स आप उस एरिया में अप्लाई करेंगे तो सोराइसिस जैसी बीमारी भी, ये भी जो है स्मूथनेस उसमें आ जाती है, जो इचिंग है वो होना बंद हो जाती है और इतनी ज़्यादा फायदेमंद भी है। लेकिन हाँ, अगर हो सकता है कि आपके नॉलेज में वो ना हो जो नुकसान हो रहे हो, तो आप पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए फिर बेशक इसको खाइए, क्योंकि ये वाकई में बहुत ताकत, इससे जो है स्किन प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी में जो भी कई तरह की बीमारियाँ हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियाँ उनको दूर भी करती है। लेकिन आप जो सेवन करें तो उसके डॉक्टर से सलाह के बाद में ही सेवन इसका करें। और ये घाव भी भरती है क्योंकि जो है स्किन कैंसर से भी बचाती है, स्किन में खुजली से बचाव इससे होता है। और दूसरी बात, अगर डॉक्टर किसी माउथ कैंसर या कुछ भी है तो वो हीलिंग के लिए डॉक्टर ये विटामिन ई की कैप्सूल्स बताते हैं, तो वो अंदर से जो है हमारे जख्मों को, क्योंकि बाहर का जब जख्म भर सकती है तो ये अंदर के भी जख्म भरती है और उससे स्मूथनेस आती है और हमारी स्किन को ताकत मिलती है। तो ये थे हमारे कुछ जानकारी, आपको विटामिन ई की जानकारी मैंने दी, क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। लेकिन आप लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए, किसी भी जो जिसको नॉलेज नहीं है उसके बताए अनुसार आप मत सेवन कीजिए। तो आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैंने इतना लंबा आपका टाइम लिया उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, और आपने मेरा इतना प्यार से वीडियो देखा उसके लिए बहुत सारी थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय।